हर तंजीम कहते हैं विलायत फकी वाले, हम विलायत फकी वाले। तुमने एक बार वली फकी से पूछा कि पाकिस्तान में उनका नुमाइंदा कौन है? एक बार वली फकी से जाके पूछो ना, कहते हाँ हमें पता है, हमने खुद ईरान में मालूम किया, दफ्तर रहबरी से मालूम किया कि पाकिस्तान में आपका नुमाइंदा कौन है। मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात हक है, जो सच है, आप जाके उनकी वेबसाइट पे ईमेल कर दीजिए कि भाई पाकिस्तान में आपका नुमाइंदा कौन है। ईरान की अखबार में छपता है कि हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान में कौन है। उन्होंने बरमला का पाकिस्तान में नुमाइंदा साजिद अली नकवी साहब है, ये खुद भी कहते हैं। या किसी तंजीम के फेवर की बात नहीं हो रही, उसूली बात हो रही है। अगर वलायत फकी को मानते हो तो विलायत फकी को फॉलो करो, फिर कौम को तकसीम क्यों करते हो, फिर डबल डबल सोचों में क्यों डालते हो। फिर जब हम निजी महफिलों में बैठते, भाई रहबर नहीं है का, कहते मौलाना रहबर मसलियत का शिकार है। भाई रहबर मसलियत का शिकार है, तुम किस खेत की मूली हो कि तुम मसलियत का शिकार नहीं होते। वली फकी जब मसलियत का शिकार है, नई नई तंजीमें, फिर होता क्या है? जब आपने मेन तंजीम को तोड़ दिया और वाकई टूट गई, जो मेन तंजीम थी जिसको शहीद हुसैनी ने चलाया, मुफ्ती जाफर साहब ने चलाया, उस तंजीम को आपने एक फर्द के इख्तलाफ की वजह से आप सिस्टम के दुश्मन बन गए।